इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि इफ 9 to the power n इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power n माइनस n अपॉन 2 होल पावर माइनस 2 -27 to the power n अपॉन 3 to the power 3 m इंटू 2 to the power 3 इक्वल्स में दिया गया है 1/27। तो उसने हमसे कहा प्रूव दैट m माइनस n इक्वल्स टू 1। अच्छा क्वेश्चन है, आज ही आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो प्रूव करना है उसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं और हम लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में उसने इफ करके दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 9 to the power n है, मैं कोशिश ये करूँगा कि इन सभी में जो बेस है वो सेम हो जाए। हालांकि यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 27 को 3 to the power 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 9 को 3 to the power 3 की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये तो 3 की पावर 3 m की फॉर्म में है, यानी ये 3 बेस की फॉर्म में है। तो इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इसको बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 to the power 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी, n। इसी तरह से यहाँ पर 3 to the power 2 को अभी ऐसे ही लिखते हैं। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 3 to the power माइनस, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर n अपॉन 2 इंटू 2 आ जाएगा। माइनस इसको बेस 3 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसको 3 to the power 3 लिखा जा सकता है और होल पावर इसकी आ जाएगी हमारी n। इसी तरीके से जो ये 3 to the power 3 m है इसको ऐसे ही रहने देंगे, इंटू में जो ये 2 to the power 3 है इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर 1/27 को 3 to the power 3 लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पावर के ऊपर पावर है, यहाँ पावर के ऊपर पावर थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी है, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो इसको लिखेंगे 3 to the power 2 n और इंटू में 3 to the power 2 इंटू में आ जाएगा 3 to the power, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर n आ जाएगा। माइनस यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो इसको 3 to the power 3 n लिखा जा सकता है। अपॉन में यहाँ पर 3 to the power 3 m है, इंटू में 2 to the power 3 यहाँ पर लिखा है और इक्वल्स टू में 1/3 to the power 3 यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बेस सभी का सेम है। अगर हम लोग इसको देखें तो बेस सभी का सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है 3 to the power 2 n + 2 + n और यहाँ पर -3 to the power 3 n अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसी तरह से 3 to the power 3 m को भी ऐसे ही रहने देते हैं और 2 to the power 3 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग 1/3 to the power 3 को भी यही 2 n + n मिलकर यहाँ पर 3 n बन जाएगा और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्लस में 2 आ जाएगा। मतलब इसको लिखा जा सकता है 3 to the power 3 n + 2 माइनस में 3 to the power 3 n अपॉन में लिख देंगे 3 to the power 3 m इंटू 2 to the power 3 और इक्वल्स टू में यहाँ पर 1/3 to the power 3 का मतलब ऐसे ही अभी रहने देते हैं क्योंकि 1/27 को तो 3 to the power 3 की फॉर्म में हमने लिखा ही था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 to the power 3 n + 2 है। अगर इसको चाहें तो हम लोग पावर्स के फॉर्म में, या तो ये भी कर सकते थे कि हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करते, मतलब इसको रहने देते और सिर्फ इसको और इसको ऐड करते, या फिर अब इसको वापस से स्प्लिट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 3 to the power 3 n इंटू 3 to the power 2 और यहाँ पर है, यहाँ पर 3 to the power 3 n है, अपॉन में यहाँ पर लिखा है 3 to the power 3। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये 3 to the power 3 m है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 to the power कितना लिख सकते हैं, 2 to the power 3 का मतलब 8 लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 to the power 3 आ जाएगा। इस पूरे में से 3 to the power 3 n कॉमन आ सकता है तो 3 to the power 3 n को कॉमन ले लेते हैं और 3 to the power 2 का मतलब 9 होता है, -1 हो जाएगा, अपॉन में 3 to the power 3 m यहाँ पर आ जाएगा और अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर 8 बचा है। इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 to the power 3 था, इट्स माय मिस्टेक, तो यहाँ पर ये 3 to the power 3 आ जाएगा। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 - 1 का मतलब 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 to the power 3 n इंटू यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन में 3 to the power 3 m और यहाँ पर इंटू में 8 है, इक्वल्स टू में 1/3 to the power 3 है। 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3 to the power 3 n अपॉन 3 to the power 3 m और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1/3 to the power 3
और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें कि बेस यहाँ पर अगर देखें तो बेस यहाँ पर सेम है, नंबर डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब 3 to the power 3m हो जाएगा। अगर हम इस पावर को ऊपर की तरफ ले जाएं तो यहाँ पर पावर जो है वो 3 to the power -3 हो जाएगी। बेस सेम है, नंबर्स आपस में इक्वल है, मतलब पावर भी इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n-3m = -3। अगर हम इसमें से 3 को कॉमन ले लें तो 3 इसमें से कॉमन आने के बाद n-m बचेगा और -3 इसके नीचे आ जाएगा, तो n-m = -3/3, यानी कि n-m = -m। जिसको पलट के अगर हम लोग लिखें, यानी कि इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव, यानी -1 से इधर भी और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं -m + m = 1, इसको जिसको लिखा जा सकता है m-n = 1। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।